Assalamu alaikum viewers, my name is Zwan Cheema. Welcome back with another video. This is episode number 3 of Walking Tales Lahore Smart City. इस वक्त मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये पॉइंट बेसिकली एक रोड बन रहा है और ये रोड जो है ये बड़े कमर्शियल्स के लिए बन रहा है और इसके लेफ्ट साइड पे बड़े कमर्शियल्स हैं और ये रोड बन रहा है उसके सामने. ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन की सामने बिल्कुल बड़े कमर्शियल्स आ जाएंगे और उसकी बैक साइड पे 8 मरला कमर्शियल्स आ जाएंगे और कुछ बैक साइड पे 4 मरला कमर्शियल हैं रेलवे ट्रैक के साथ. उसकी मैं बाद में सेपरेट वीडियो बना दूंगा. फॉर द टाइम बीइंग एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, ये जो प्लॉट आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर कुछ पानी नज़र आ रहा है, ये वाला प्लॉट, इस प्लॉट में बेसिकली पार्क बनेगा. ये कुछ एक कॉर्नर वाला प्लॉट है, कमर्शियल का प्लॉट है, मेगा कमर्शियल का, और उसके साथ आगे सारा पार्क होगा. अच्छा, चीज़ में जो नोट कर रहा था वो नोटेबल चीज़ ये थी कि लाहौर स्मार्ट की साइट पे जो एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि लाहौर स्मार्ट में जहाँ जहाँ कारपेटिंग हो रही है, यानी जहाँ जहाँ रोड्स मुकम्मल हो रहे हैं, जैसे ये रोड है ये मुकम्मल हुआ है, इसके साइड पे ना बैरियर्स लगा दिए गए हैं. ये पहले एक्सपीरियंस जो था कैपिटल स्मार्ट सिटी में देखने में नहीं आया, बट यहाँ पे एक अच्छा काम ये किया गया कि यहाँ पे बैरियर्स लगा दिए गए हैं. कोई भी गाड़ी, कोई ट्रक यहाँ पे मूव नहीं कर सकता अदर देन जो ये कच्चे रास्ते हैं, इसके अलावा कोई बंदा मूव नहीं कर सकता यहाँ पे. तो यहाँ पे आने के लिए अगर आप अपनी गाड़ी पर भी आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी आकर कच्चे रस्ते पर ट्रैवल करना पड़ेगा. आप इस रोड पर मूव नहीं कर सकते. कैपिटल स्मार्ट सिटी से लाहौर स्मार्ट सिटी में जो काम डिफरेंस है नज़र आया मुझे कि लाहौर कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज ईस्ट में जो डेवलपमेंट हुई थी शुरू में, तो वहाँ पे उन रोड्स को ओपन रखा गया था. बाद में अभी क्लोज़ किया गया है बट शुरू में ओपन रखा गया था. बट यहाँ पे उन्होंने शुरू से इसको क्लोज़ कर दिया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तबाही ना हो. कुछ जगह पे है ओपन लेकिन वहाँ पे 7 फुटपाथ वगैरह बना दिए गए हैं, तो वहाँ पर भी ईजी एक्सेस नहीं है. कोई इंडिविजुअल बड़ा आसानी से वहाँ नहीं जा सकता, यानी अगर आप पैदल हो तो जा सकते हैं, कार पर नहीं जा सकते आप. ओके जी, इस रोड पर आगे मूव करें तो ये जो रोड की कारपेटिंग अभी बेसिकली इसका लेआउट प्लान सेट किया जा रहा है और इस पर जो भी आगे जाके डेवलपमेंट होगी मैं इंशाल्लाह उसके बारे से आपको बता दूंगा. फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे जो अच्छी बात है ये है कि इस रोड के साथ इस साइड पे मुकम्मल रोड जो है वो बन चुका है, यानी पार्क के जो अपोजिट साइड पे रोड है मुकम्मल बन चुका है और इस रोड पर भी काम हो रहा है और इस पर यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट किया जा रहा है. इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा बाद में कि इस पर क्या कंस्ट्रक्शन की जा रही है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये जो रोड है इस रोड के साथ जो बड़े कमर्शियल आएंगे मोस्ट प्रोबेबली एक किनार और दो किनार के प्लॉट्स होंगे जो यहाँ पे इस साइड पे आएंगे. यहाँ पर कुछ प्लांटेशन नज़र आ रही है, ये बेसिकली नर्सरी बनाई गई है फॉर द टाइमिंग. ये टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट नहीं है नर्सरी, ये हटा दी जाएगी बाद में यहाँ से. और ये रोड आगे लीड करता है टुवर्ड्स रेलवे लाइन, जहाँ पे रेलवे लाइन है प्रॉपर वहाँ तक ये रोड जाता है. ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा पैच. एक अच्छी बात जो लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पर ये हुई है कि यहाँ पे साइड पर डेवलपमेंट जो है वो कोई ना कोई डेवलपमेंट साइड वाइज चलती रहती है, जिसके हवाले से स्मार्ट सिटी जब भी साइड विजिट करते हैं तो आपको बड़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं. जैसे मैं हैरान था कि विलास की फर्स्ट फ्लोर की जो छत होती है ग्राउंड फ्लोर की, लेंटर उस पर काम होना शुरू हो गया है. मैं आगे वीडियोज़ बनाता हूँ उसकी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है. विद इन नो टाइम लाहौर स्मार्ट सिटी को लॉन्च हुए टाइम कितना हुआ है, NOC आए हुए टाइम हुआ है तकरीबन 8वां का, और जो प्रॉपर्ली साइड पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी May 2021 से स्टार्ट हुई थी और आज हम जनवरी 2022 में देखें तो इस जगह पे जो डेवलपमेंट है आपके सामने है कि कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है. ये नर्सरी का और व्यू है बेसिकली साइड पे टेम्प्रेरी. चलिए अब दूसरी साइड पे चलते हैं जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस हवाले से. ये बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह खड़ा हो गया यहाँ पे साइड पे. अच्छा, कुछ लोग सवाल करते हैं ये फ्लडेड एरिया में तो नहीं आता, क्योंकि तीन साइड से जो है मेन आपकी वॉल्स बन गई हैं. आपकी एक तरफ है M11 लाहौर से अलकोट मोटर पर जिस तरफ आती है, इसकी बैक साइड है बिल्कुल, यानी ये साइड जो है ये मेन एंट्रेंस रोड है, अपोजिट साइड पर ये रिंग रोड है. तो रिंग रोड के साथ बिल्कुल भी एक वॉल बनी हुई है, यानी मोटरवे की हाइट जो रिंग रोड की हाइट है वो ग्राउंड से एलिवेटेड है. तो यहाँ पे फ्लडेड होने के चांसेस कम ही है, बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है. फॉर द टाइमिंग यहाँ पे साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी कोई ऑफिसेज ही होंगे, अभी श्योर नहीं है, बट जब यहाँ पे काम मुकम्मल होगा तो डेफिनेटली साइड पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस हवाले से आइडिया नहीं कि इसमें क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, बस उनको एक मैप दिया गया है जिसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. जब ये आगे कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी इंशाल्लाह तो मैं इसके हवाले से सेपरेट वीडियोज़ बना दूंगा कि यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है. सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे. अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी बुकिंग के हवाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़.